नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार को मीडिया। आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जिन्होंने हिंदी टीवी पत्रकारिता में संवेदनाएं, सामाजिक सरोकार, भावुकता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हमेशा जिंदा रखा। जब आप उनके शो देखते हैं, जब आप उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिचा अनिरुद्ध जी, हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समाचार फॉर मीडिया के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शुक्रिया आनंद। रिचा जी, आपका एक विशाल व्यक्तित्व है, काफी एक लंबी यात्रा आपने तय की है, तो शुरुआत से जो है हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा और एंकरिंग की तरफ आपका झुकाव कब आया और कैसे आया? आनंद, अगर मैं अपनी यहाँ पर इस फील्ड में एंट्री की बात करूँ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मैं ये कहती हूँ कि सारा क्रेडिट हम ले लें कि हमने सब कुछ किया, ऐसा नहीं होता है। आपका रुझान होता है कुछ चीज़ों की तरफ, कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि बहुत शिद्दत से आप चाहते रहे हैं, जब आप बच्चे भी थे तो कुछ ख्वाब मन में पलते हैं, उसके बाद नियति अगर आपका साथ दे और रास्ते में आपको ऐसे लोगों से मिलवाती जाए जो आपके उस सपने को पूरा करने में आपकी सहायता करें, और उसके बाद आपको सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली आई बीन ब्लेस्ड कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन मेरे साथ बहुत सही बैठ गए, वरना कभी सोचा नहीं था। जिस परिवार से आई हूँ वहाँ रहकर, और झांसी जिस मतलब छोटा शहर कि हम सोचते कि कभी टेलीविजन पर आएंगे, तो मतलब ये तो नामुमकिन सपना था। लेकिन जब बहुत छोटी मतलब मुझे जहाँ तक एज फार एज माई मेमरी गोज, आप शायद कोई यकीन ना करें, बच्चे सपने देखते हैं ना कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, मतलब मैं पता नहीं मैंने ये सपना कभी किसी को बताया नहीं। मैं पता है क्या सोचती थी कि मैं ना लाइफ में कुछ ऐसा करूं कि जब मैं मरूं, और एक छोटे बच्चे के लिए मरना सोचना बहुत एक थोड़ा वो लगता है कि जब मैं मरूं तो कम से कम अखबार में मेरी एक छोटी सी खबर छपे। आप समझ रहे हैं, उस समय टीवी भी इतना नहीं था, टीवी जब ग्रोइंग अप डेज में काफी बाद में आया, हम लोग जब थोड़े बड़े हो गए, लेकिन मुझे लगता था। तो इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में था कि कुछ ऐसा करूं कि मैं सोशल पब्लिक लाइफ में कहीं सक्रिय रहूं, शायद मतलब मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद जब कॉलेज होने लगा, अच्छा फिर वो भेड़चाल में, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो सब पीएमटी में बैठते हैं, तो भेड़चाल में हम बैठे, पेरेंट्स ने बहुत रोका, जबकि मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा क्यों डॉक्टर बनना है, कुछ और एक्सप्लोर करो। मेरे पेरेंट्स को बहुत मन था कि मैं सिविल सर्विसेज ट्राई करूं, लेकिन मैंने नहीं की, उसकी अलग कहानी है। तो तब ना माँ मुझे कुछ भी कहती थी, अच्छा तो एमएससी कर लो, लेक्चररशिप दिखना, बैंक के जॉब, भाई हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज में यही सब देखते हैं, सिविल सर्विस नहीं तो फिर ये सब चीजें। और मैं हर जॉब को ना ये कह के मना कर देती थी कि ये मुझे क्यों नहीं करना, मैं रोज एक चीज पढ़ा नहीं सकती, अच्छा पैसे तो मुझे समझ में ही नहीं आते, अकाउंट्स और ये सब, तो ये नहीं करना। और तो एक दिन किसी ने मुझे कहा तो तुम्हें करना क्या है, मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें हर दिन ना कुछ नया चैलेंज हो, नया काम हो, मुझे बोरियत बहुत जल्दी हो, नहीं तो काम हो जाएगी फिर मैं काम कर नहीं पाऊंगी। तो आप देखिए कहीं ये दूसरा थॉट ये था कि एक ऐसा काम हो जिसमें रोज नया कुछ करने को, एंड मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री में ही सबसे ज्यादा यही हमको वैरायटी मिलती है कि आज एक काम कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जब कॉलेज कर रही थी, ग्रेजुएशन तो साथ साथ लगा कि उस जमाने में होता था कि भाई एक साइड में कोर्स और कर लो, कुछ समझ नहीं आया। एप्टेक और एनआईटी उस समय बूम पर थे, तो एप्टेक जॉइन, मतलब मैंने खूब भेड़चाल में सब ज्वाइन करके सब काम किए हैं, एप्टेक ज्वाइन कर लिया, 3 साल का एक कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रही थी। वो कंप्यूटर का डिप्लोमा करने के थर्ड ईयर के लिए हमें दिल्ली आना था, क्योंकि झांसी में वो 2 साल का ही अवेलेबल था सिस्टम। जब मैं दिल्ली आई और मैं क्लास 11 से, आनंद पता नहीं आप जानते हैं नहीं, स्पिक में के वैसे सब लोग ज्यादातर जानते हैं, एक संस्था है जो क्लासिकल म्यूजिक के लिए काम करती है, इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। तो स्कूल कॉलेजेस में बहुत बड़े बड़े सब आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो मैं क्लास 11th में वहाँ इनिशिएट हो गई थी झांसी में, और उस जमाने में हमारे यहाँ राजन साजन मिश्रा जी, राजन जी का तो अभी कोविड से निधन हुआ, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, इन सबके कार्यक्रम हमने झांसी में, एंड आई वॉज वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजर्स। अच्छा मंच पर बहुत हमेशा कब थ्रू आउट स्कूलिंग कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ हो और रिचा बादल नाम था मेरा तब की मैं मंच पे ना हूँ, तो माइक फ्रेंडली हमेशा थी, भाई कैमरा ये तो नहीं था सामने, माइक से बहुत कंफर्ट लेवल मेरा था। तो बस वो कोर्स करने जब मैं दिल्ली आई तो मैं स्पिक में के मैं गई कि भाई अब यहाँ भी वॉलंटियर करूंगी, तो यहाँ वॉलंटियर कर रही थी। 96 की बात है, स्पिक में के का एक कन्वेंशन होना था मद्रास में,
और उस पर एक कर्टन रेजर बनाने दूरदर्शन की टीम आ रही थी, एक कुछ इवनिंग लाइव शो होता था शायद, कुछ तो था। तो उन्होंने तो डॉक्टर किरण सेठ हैं जो स्पीकमेकर के फाउंडर, उन्होंने कहा भाई ऋचा भी एक बाइट दे देगी, साउंड बाइट देनी थी मुझे सिर्फ। आप सोचिए किस्मत कब कहां बदल सकती है किसी की। मैं खड़ी हुई और मैंने कहा जो भी मैंने बोला मुझे याद नहीं कि मैं झांसी से आई हूँ, लेकिन स्पीकमेकर ने मेरे लिए ऐसे ऐसे बहुत म्यूजिक से इंट्रोड्यूस किया, क्लासिकल म्यूजिक नहीं तो उससे पहले हम नहीं समझते थे, जो भी बहरहाल मैंने बोला। तो कैमरामैन मेरी बाइट के बाद बोलते हैं बहुत अच्छा बोलती है और अच्छी लग रही है, ठीक है। तो रमेश शर्मा जी थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि कभी टीवी भी ट्राई किया। अब आप सोचिए 96 की मैं बात कर रही हूँ, कितने चैनल थे उस समय, आई थिंक जी मेरे ख्याल से अकेला हुआ करता था, अकेला था। आज तक भी 98 में आया था। 98 में तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं तो झांसी से आई हूँ, मैं किसी को जानती नहीं, कहा टीवी। मैंने बोले नहीं क्योंकि यू आर वेरी फोटोजेनिक और हिंदी बहुत अच्छी बोल रही हूँ। वही झांसी में पले बड़े, आप हिंदी अच्छी थी, परिवार में भी माहौल वैसा था। तो उन्होंने मुझे उस जमाने पेजर नंबर दिया, बोले अच्छा मुझे फोन करना, कभी मन करे कि टीवी पे कुछ करना चाहो तो मुझे फोन करना, पेजर मैसेज करना। ठीक है, भूल गई, अपना मद्रास गए, कन्वेंशन हो गया, सब कुछ हो गया। अगस्त के आसपास मुझे एक दो महीने निकल चुके थे, मैंने कहा अरे वो एक सर ने पेजर नंबर दिया था, ट्राई करते हैं जाके मिलके आते हैं। तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर आई विल कम एंड सी यू टुमारो, कुछ तो लिखा होगा। और अगले दिन जब मैं वहां पहुंची तो रमेश शर्मा जी खुद नहीं थे, उनकी टीम के एक व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा अच्छा आप आ गई, बड़े टाइम से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, काम कीजिए कोई, उन्होंने डेट दी, बोले हल्का थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लीजिएगा और गुलाब पर एक स्क्रिप्ट का कुछ लिख लेती हैं आप। मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है, और आपको एक व्यक्ति का इंटरव्यू करना होगा। तो मैंने कहा सर आपने मेरा स्क्रीन टेस्ट या कुछ तो ऑडिशन तो लिया नहीं। तो बोले वो जो आपकी साउंड बाइट हम रिकॉर्ड करके लाए थे ना, वो आपका ऑडिशन था, मतलब उसको हम लोगों ने देखा और कई बार देखा और हमें लगा आप कर सकती हैं। ये कार्यक्रम था अंकुर, अंकुर पता नहीं अब आता है नहीं, संडेज को आता था सुबह 9 बजे शायद, वहीं से आपकी शुरुआत हुई। वो शुरुआत हुई तो बस फिर वो उसमें वो क्या होता था, 500 रुपए मिलते थे, महीने में 2 ही ड्यूटीज मिलती थी, वो कैजुअल आर्टिस्ट की तरह जो होता है ना। तो वहां से मतलब दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद द कैमरा एंड डूइंग इट प्रोफेशनली। उसके बाद शादी करके अजमेर आ गई, आप उसके बारे में बताइए। जी हाँ, तो शादी हुई तो एक चॉइस थी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अगर दिल्ली में रहकर, यू नो आई वाज 21 इयर्स ओल्ड, बहुत समझ, और मैंने ना वैसे भी आनंद मुझे कई बार लगता है मैंने अपना करियर ना बहुत स्ट्रेटेजिकली, कुछ लोग जैसे प्लान करते हैं ना, मैंने वो कभी भी नहीं किया। मतलब 2013 में आप सोचिए जब मैंने IBN छोड़ा तब मैं एकदम मतलब जिंदगी लाइव सब कुछ है, तो मतलब मैं बहुत इमोशनल डिसीजन ज्यादा लेती हूँ। तो तब ये हुआ कि नहीं अजमेर जाऊंगी। अच्छा कोई यहाँ ऐसी वैसी नौकरी तो थी नहीं, महीने के 1000 रुपए दूरदर्शन से मिलते थे तो उसके लिए आप दिल्ली में रहते रहे वो तो। और रमेश शर्मा जी ने कहा ठीक है तुम अजमेर से जब मन करे आना, हम यहाँ तुम्हें कोई शो दे दिया करेंगे, अंकुर कभी कभी आके कर जाया करना। तो मैं अजमेर चली गई। अजमेर में क्या क्या नहीं किया मैंने, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया है, मुझे भी याद आ रहा है। और उसके बाद एक दिन एक अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि दैनिक नवज्योति को डेस्क के पत्रकारों की कुछ तो कॉपीराइटर की जरूरत है, तो वहां अप्लाई किया। और थैंकफुली वहां जब ये लिखा कि दूरदर्शन में काम किया है तो होता है ना एक एक्सपीरियंस आपको दूसरे पर ले जाता है, तो वहां दैनिक नवज्योति में मुझे नौकरी मिल गई थी। वहां 3 साल 1500 रुपए तनख्वाह मिलती थी और दैनिक नवज्योति में आपने काफी अच्छा काम किया। अच्छा तो देखिए डेस्क पर थे, मैं एक दिन घर में अपने बच्चों को बता रही थी, मैंने कहा वो स्ट्रिंगर्स की कहीं कहीं से गांव की स्टोरीज आती थी अजीब अजीब सी पोस्टकार्ड पे, फिर उनको आपको ठीक से लिखना होता था, उसमें कभी हिंदी भी ठीक नहीं, वो राजस्थानी में कभी कभी लिख देते हैं तो गांव के से उसको, फिर मतलब डेस्क पर ही काम किया, फील्ड में मैं नहीं गई कभी। जी आपने आकाशवाणी FM के साथ रेडियो जॉकी के तौर पर काम किया और उसके बाद आप काफी आपको पहचान मिली, तो FM आकाशवाणी FM तक आप कैसे पहुंचे? नहीं हुआ ये था एक्चुअली, जब ये सब कर रही थी दूरदर्शन वगैरह तो जाके वो बिल्डिंग तब सेम थी, तो वहां जाकर मैं ट्राई करती रहती थी। तो एक बार कोई कहीं गई मैं डेस्क पे, मैंने कहा वो RJ के लिए कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा ये फॉर्म भर दीजिए, तो फॉर्म भी भर दिया, फिर कॉल आया, फिर कुछ टेस्ट वेस्ट हुआ था मेरा, लेकिन मैं आकाशवाणी पे ना ऑन एयर नहीं हुई थी, FM रेनबो में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, दीपक छिब्बर जी थे तब मुझे याद है ये, लेकिन ये बात है 2001 की जब मैं वापस दिल्ली आई हूँ, जब अपनी बेटी को लेकर मैं वापस दिल्ली स्ट्रगल करने दोबारा से सब करने आई थी, तो हुआ क्या कि मेरी मतलब लिटरली चार्ट बन गया था एंड आई हैड टू गो ऑन एयर। और उस समय तक मैं सब जगह और भी ट्राई करती थी, जी में जाके कई बार तो गार्ड्स भगा देते थे, जी में जाके अपना CV देती थी, तो जी से कॉल आया था, अलका जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, अलका जी और सतीश जी ने,
और फिर ये हुआ कि अब फिर मैंने एफएम में कहा कि अब तो मैं ऑन एयर नहीं हो सकती, मेरी तो जी में जॉब लग गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के करते रहते हैं, तो आप एक शो रेडियो भी करती रहिए। तो एक तो मुझे ठीक नहीं लगा, अनएथिकल की पहचान छुपा के, मुझे कभी भी ना वो चीजें कम्फर्ट नहीं देती है। और फिर मुझे, एंड माई डॉटर वॉज वॉट, शी वॉज वन ईयर ओल्ड ओनली, तो मैंने कहा नहीं सर, अब एक नौकरी लग गई है, इतनी मारा मारी भी नहीं करनी है कि रेडियो भी करूं टीवी भी करूं, तो ठीक है। तो मैं रेडियो में, आकाशवाणी में ऑन एयर कभी गई नहीं, ट्रेनिंग हो गई थी, सब हो गया था मेरा। तो ये उसके बाद आप जी न्यूज में गए, आपने पहली बार एंकरिंग करी, पहली बार आप टीवी के सामने आई, और उसके बाद 2007 में जिंदगी लाइव शुरू हुआ, राइट? हाँ, तो 2002 से लेकर 2005 तक मैं जी में थी। मैं बहुत काम किया, मतलब उस समय के हिसाब से हमने फिल्म फेस्टिवल कवर करने जाते थे, पहले दिल्ली में होता था, फिर गोवा में, एक हम लोगों ने जावेद मियादाद के साथ एक शो किया था, जावेद आपके शहर में करके, तो उनके साथ हम लखनऊ, जयपुर, कई शोज मैंने किए थे। तो जी में बहुत काम किया, मतलब 2.5 साल के उसमें ड्यूरेशन में ही बहुत काम कर लिया। और मैं बाय चांस लॉन्च भी एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ हुई थी, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में डेस्क पे काम कर रही थी और बहुत दिन से मैं एंकरिंग से बच रही थी, हर बार चार्ट पे निधि कुलपति मैम और विनोद जी थे तो मेरा नाम डाल देते थे और मैं बचती थी उससे, डर लगता था, पता नहीं कि कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। और मैं बोलती थी कोई ब्रेकिंग न्यूज आ गई तो मैं कैसे करूंगी। और चांस की बात है, मैं नाइट शिफ्ट में थी और एक ब्रेकिंग न्यूज आई, कोलकाता में कहीं कुछ आग वाग लग गई थी, क्या हुआ, तो डेस्क से फोन गया होगा बॉस के पास, तो उन्होंने कहा कौन है अभी ऑफिस में, कोई एंकर है? उन्होंने कहा कोई एंकर भी नहीं है, तब एंकर नाइट शिफ्ट में नहीं होते थे। बोले अच्छा बताओ डेस्क पे कौन कौन दिख रहा है न्यूज रूम में। दैनिक जागरण उसके बाद 2007 में वो IBN 7